हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हमने पालो आल्टो की इमेज ऐड करवानी है ईवेंजी में। सो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कैसे हमने ईवेंजी इंस्टॉल करना है वीएमवेयर में। सो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लेना और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, वीएमवेयर ओपन करूँगा और इस वीएमवेयर में हमारी जो ईवेंजी की मशीन है उसको हम लोग कर लेंगे स्टार्ट, पावर ऑन। और यहाँ पे ईव एनजी का यूज़र नेम था रूट, पासवर्ड था ईव और इसका आईपी एड्रेस 192.168.1.14। सो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। 192.168.1.14 आईपी एड्रेस था जो कि मेरा लॉगिन हो चुका है। सो मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी लैब्स बनाई हुई हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ यार, मैं फिर से आपको दिखा दूँगा। सो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर ऐड कर रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ उसको पालो आल्टो ऐड फोल्डर। फोल्डर में गए और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ऐड न्यू लैब, एक नई लैब ऐड करवाने जा रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ इसको लैब वन। और बाकी सारी सेटिंग्स मैं डिफ़ॉल्ट रखने दे रहा हूँ, रखूँगा, सेव करना है। और यहाँ पे हम लोग पालो आल्टो की इमेज अगर ऐड करवाते हैं, राइट क्लिक करता हूँ ऐड नोड पे, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपके पास में इमेजेस शो कर देगा। तो आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपको पालो आल्टो की इमेज दिखाएगा जो कि ग्रेड आउट है, राइट। बिकॉज अभी तक इमेज जो है यहाँ पे ऐड हुई नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इमेज ऐड करवानी पड़ेगी। तो इमेज ऐड कैसे करवाते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया था, इसके लिए हमें चाहिए होता है विन एससीपी। और विन एससीपी में कैसे आपने कनेक्ट करना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जो हमारा ईवीएनजी वाला वीडियो है वो एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं और मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखो ये हमारी रूट डायरेक्टरी है किसकी, ये है ईव एनजी की, राइट। और लेफ्ट साइड में जो विंडो दिखा रहा है वो हमारे मशीन की है। तो इसमें हमने यहाँ पे इमेज ऐड करवानी है, कहाँ पे करवानी है, हम लोग यहाँ पे ओपीटी में जाएंगे ऑप्शन में और यहाँ पे आपको मिलेगा यूनेट लैब, इसमें आपको मिलेगा एड ऑन्स, एड ऑन्स में हमें मिलेगा यहाँ पे ये लास्ट वाला फोल्डर, इसमें जाना है, यहाँ पे हमें इमेज ऐड करवानी है। तो इमेज पड़ी कहाँ पे, हम आपको दिखा देता हूँ, इमेज पड़ी है हमारी जी ड्राइव में। आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये हमारी जी ड्राइव है, ठीक है। तो जी ड्राइव में एक पालो आल्टो नाम से एक फोल्डर है, इसमें गया मैं और यहाँ पे पालो आल्टो 8.0.0 इसमें है, और इसमें फिर से एक फोल्डर है, उस फोल्डर में वो हमारी इमेज पड़ी है। तो इस इमेज को मैं डायरेक्टली नहीं वहाँ पर लेके जाऊँगा, ये जो बाहर वाला फोल्डर है हमारा, ये इस फोल्डर को मैं ड्रैग करवाऊँगा वहाँ पर। तो इसको ड्रैग कर लेना है यहाँ पे, जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखो यार इस जो फोल्डर का नेम है ना वो आपको नेम दिखा रहा है पालो आल्टो डैश 8.0.0, इसमें वो इमेज है, ठीक है। और ये फोल्डर का नेम है ना यही होना चाहिए, इसमें कई बार जैसे आप डैश हटा दोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी इसमें, राइट। सो एज इट इज फोल्डर का आपने नेम रखना है, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थोड़ा टाइम लेगा इमेज को अपलोड करने में, हाँ अराउंड 14% हो गई है, 15%। मैं वीडियो को एक बार पॉज कर देता हूँ, जैसे ही अपलोड हो जाएगी देन हम लोग वापस से फिर इसको कनेक्ट करेंगे। सो 98% हो गया ये, 99 और ये 100%, ये हमारा यहाँ पे फोल्डर आ चुका है, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करना है तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हो पेज को, और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़। इमेज हमारी ऐड हो चुकी है, क्लोज़ करने से पहले काम करते हैं हम लोग यहाँ पे फोल्डर में चलते हैं, हम लोग यहाँ पे यूनिट लैब की प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे ना ये वैल्यू होनी चाहिए 70755 जो कि ऑलरेडी है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, क्लोज़ कर दोगे इसको आप। और अब हम लोग यहाँ पे जो हमारी लैब है, एक बार मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, नई लैब बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमारा पालो आल्टो फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, इस फोल्डर में गए, एक नई लैब ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, नेम दे रहा हूँ लैब वन, ओके। सो बाकी सेटिंग्स को मैंने डिफ़ॉल्ट रखना है, सेव करेंगे और राइट क्लिक करना ऐड नोड पे क्लिक करोगे, और इसके बाद में आप जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहाँ पे ये देखो हमारा ये ब्लू कलर में दिखाई देने लग गया पालो आल्टो, इसको हमने सेलेक्ट करना है और बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको डिफ़ॉल्ट रखना है और सेव पे क्लिक कर देना आपने। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ ये हमारा पालो आल्टो फायरवॉल आ चुका है, राइट क्लिक करना है इस पर, स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो जैसे ही फायरवॉल आपका स्टार्ट होगा ये ब्लू कलर आपको शो करने लग गया
फायरवॉल आपका स्टार्ट हो गया। डबल क्लिक करना है इस पर और ओपन कर लेना उसको, तो फायरवॉल हमारा ऑन हो चुका है। इस फायरवॉल का जो यूज़र नेम रहेगा वो हमारा रहेगा एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट, और पासवर्ड रहेगा वो भी एडमिन ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। इसको हम लोग लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम है इसका एडमिन और पासवर्ड भी इसका रहेगा एडमिन, बट ये अभी लॉगिन नहीं करेगा, इनकरेक्ट आपको पासवर्ड दिखा देगा, बिकॉज़ ये पालो अल्टो की इमेज में थोड़ा बग है। एक्चुअली क्या होगा, ये कम से कम 3-4 मिनट ले लेता है, उसके बाद में जब आप लॉगिन करोगे तो आप इजीली इसमें लॉगिन कर पाओगे, राइट। जब हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे पैलो आल्टो का, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे इसको लॉगिन करना है। यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो ऐड हो चुकी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी इसको कंटिन्यू करेंगे, इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम लोग पैलो आल्टो फायरवॉल की। इस पालो अल्टो की जो इमेज है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यार। थैंक यू।